सरहद पर हमारे जवान इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उस जवान को भी एक बार ये देखकर दर्द तो जरूर होगा, जिस देश की सरहद पर मैं अपनी जान दे रहा हूँ, उस सरहद के अंदर सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शराब और दारू की ठेके खोलने का मात्र एक रास्ता उन्हें सूझा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर मात्र दूसरा रास्ता देश की सरकार को गरीब को मारने का सूझा है। उस सरहद पर शहीद होता जवान भी सोच रहा होगा। पीएम केयर फंड, आप मजदूरों से टिकट ले रहे हैं, आप हवाई जहाज से जिन्हें ला रहे हैं उनसे पूरा वैसा वसूल रहे हैं, आप जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करोड़ों रुपया वसूल रहे हैं, आप राज्यों को उनका जीएसटी का शेयर भी नहीं दे रहे, आप पीएम केयर फंड में, लोग तो बता रहे हैं 15 लाख करोड़ आ चुका है और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए शायद उतना भी नहीं चाहिए कि अगर आप हमारे बता रहे हैं, जो आज राहुल जी ने बताया 7 करोड़ पूरे देश में छोटे दुकानदार हैं, हमारे कितने किसान हैं, कितने कामगार मजदूर हैं, अगर 13 करोड़ देश में मजदूर गरीब जो गरीबी रेखा से नीचे है उन सबके अकाउंट में अगर न्याय योजना के तहत, न्यूनतम आय योजना के तहत 7500 भी डाल देंगे तो केंद्र सरकार को 65,000 करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं 65,000 करोड़ पीएम केयर फंड में बताया जा रहा है। पारदर्शिता नहीं है इसलिए इस आंकड़े को कितना सही है गलत है नहीं बता पा रहे हैं कि सच में पीएम केयर फंड में कोरोना वायरस से लड़ने के दौरान जो पीएम फंड खोला गया उसमें 15 लाख करोड़ आ चुके हैं। पेट्रोल डीजल से 15 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल पे जो पैसा आपने बढ़ाया है, क्योंकि विश्व में तो बहुत कम कीमतें हैं, आपने कमाया, आपने पीएम केयर फंड में आया, पीएम केयर फंड में पारदर्शिता क्यों नहीं है? जब आप पारदर्शिता नहीं लाएंगे, जवाबदेही नहीं लाएंगे तो प्रश्न तो स्वाभाविक है उठना कि पीएम केयर फंड में कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, कितना आ चुका है, किस राज्य को उस पीएम केयर फंड से पीपी किट के लिए, टेस्टिंग के लिए कितना दिया गया है, ये अगर आप नहीं बताएंगे तो शक पैदा होता है कि पीएम केयर फंड का पैसा जा कहां रहा है। सरकार तो किसी को दे नहीं रही, उल्टा पेट्रोल डीजल पीएम केयर फंड हवाई जहाज की टिकटों के पैसे या इवन की ट्रेन का पैसा जो है आप वसूल रहे हैं लेकिन खर्च कहीं नहीं कर रहे हैं। आज हमारे जो बहुत छोटे छोटे उद्योग थे, जो घरों की दुकानों से 7 करोड़ दुकानें हैं, छोटे मोटे उद्योग चलते हैं, मध्यम मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, उसमें कम से कम 11 करोड़ लोग काम करते हैं, सब बेरोजगार हो चुके हैं। 45 दिन हो गए आज लॉकडाउन को, 17 तारीख के बाद फोर्थ होगा या नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी दूसरी बार प्रेस वार्ता करते हैं इन 40 दिनों के लॉकडाउन में 1-1 घंटे के लिए, और जनता के प्रश्नों के जवाब जो है वो मीडिया के माध्यम से देते हैं, पर देश के प्रधानमंत्री 6 सालों में या अभी भी एक बार भी सीधा जनता के प्रश्नों के जवाब मीडिया के माध्यम से, प्रेस वार्ता से, प्रश्नों से डर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को कहूंगी, आपको मालूम है, आप मेरा लाइव देखिएगा जो मैंने कुछ दिन पहले किया था गुजरात के अहमदाबाद में, वहां के अहमदाबाद के आईएएस ऑफिसर कमिश्नर, अहमदाबाद के कमिश्नर ने खुद प्रेस वार्ता करके बताया था कि 15 मई तक गुजरात के मात्र अहमदाबाद जहां पर नमस्ते ट्रंप हुआ था वहां पर 50,000 कोरोना वायरस के पीड़ित हो जाएंगे और 31 मई तक 8 लाख। उस अहमदाबाद आईएएस ऑफिसर कमिश्नर की बात को गंभीरता से लेने की बजाय उस पर कार्रवाई कर दी, उस कमिश्नर को गुजरात की बीजेपी सरकार ने छुट्टी दे दी, हटा दिया कि तुम सही आंकड़े क्यों बता रहे हो, उससे बदनामी होती है गुजरात की बीजेपी सरकार की और देश के आंकड़ों को आपको छुपाना होगा। आर्थिक पैकेज के नाम पर किसानों को 2,000 रुपए देने की बात थी लेकिन किसानों की चौथी किस्त अभी तक नहीं पहुंची, जबकि इस समय जब फसलों की कटाई है, बुआई है, वहां पर लोगों को बेचना है, किसानों को अपने आना को न्यूनतम कुछ तय नहीं कर पा रही सरकार। देश के गृह मंत्री मालूम नहीं कहां गायब है, लोग पूछ रहे हैं, अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन कोई जवाब नहीं है। और अपने ही मुख्यमंत्रियों से कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी लगातार अपनी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश हो, हमारे मध्य प्रदेश तो अभी शिवराज सिंह जी की चौहान की सरकार है, देख रहे हैं क्या हालत है वहां पर, लेकिन पंजाब हो, आपका राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पुडुचेरी, लगातार अपने मुख्यमंत्रियों के कांग्रेस सरकार संपर्क में है। हर तरह की मदद कांग्रेस अपनी सरकारों को, केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने फिर भी दे रहा है।
1 करोड़ रुपए के करीब कर्नाटका के कांग्रेस अध्यक्ष ने बसें खड़ी थी, टिकट के पैसे नहीं थे मजदूरों का, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी टिकटें भरी और उनको अपने जगहों पर पहुंचाया। लेकिन कर्नाटका की सरकार ने क्या किया, कर्नाटका की सरकार ने जो मजदूरों के लिए ट्रेनें बुक थी कर्नाटका से उन्हें अपने अपने गृह राज्य भेजने के लिए, उन ट्रेनों को रद्द कर दिया। क्यों? बिल्डर्स के दबाव में, क्योंकि कर्नाटका की भाजपा की सरकार में बिल्डर लॉबी का इतना प्रेशर आ गया, उन्होंने कहा कि अगर आप ये मजदूरों को भेज देंगे तो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, हमारी कमाइयां बिल्डर्स की रुक जाएंगी, इसलिए उन्होंने ट्रेनें रद्द कर दी। लेकिन जब हाहाकार हुआ कि आप इस तरह से शोषण मजदूरों का नहीं कर सकते हैं, आपको उनके इच्छा अनुसार उनको उनके गृह राज्यों पर पहुंचाना होगा, तब ये ट्रेनें चालू की गई। उड़ीसा का भी एक उदाहरण सामने आया, लोग कोर्ट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा है कि उड़ीसा के अंदर जो लेबर दूसरे राज्यों से वापस आ रही है, अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला, उड़ीसा सरकार उसे अपने राज्य में अंदर नहीं आने देगी। कहां जाएगा वो आदमी, कहां जाएगा, किस सरहद, किस बॉर्डर, किस राज्य में वो अपनी रोटी रोजगार के लिए परिवार को लेकर मोहताज पड़ा रहेगा। ये कोई CAN में, नागरिकता बिल में आप किसी बाहरी देश के लोगों को सरहद पर वो अपने क्या कहते हैं उसको शरणार्थी घर बनाकर, ना, ये देश के लोग हैं, आपके अपने लोग हैं। मैं लोगों को कहूंगी, राहुल गांधी जी ने नेता विपक्ष के तौर पर सुझाव दिए, मानना ना मानना देश की सरकार पर निर्भर करता है। हर तरह के सहयोग की बात की कि आप केंद्र सरकार कोई भी नियम कायदे तय करेगी, हमारी राज्य सरकारें कांग्रेस पूरी तरह से सहयोग करेंगी, जो कर रही हैं। अगर आपने लॉकडाउन अनाउंस किया है तो राज्य सरकारें कांग्रेस की मुस्तैदी से उस लॉकडाउन को, नियम कानूनों को अपने राज्यों में लागू करा रही है। आप हमें हमसे मदद की भी बात करेंगे तो युवा कांग्रेस से लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के लोग जो हैं लगातार आप देखेंगे मुफ्त की मजदूरों की टिकटें का वाहन करना हो वो कर रहे हैं, खून देना हो कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, खाना खिलाना हो, व्यवस्था करनी हो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हर तरीके की हम विपक्ष में मुट्ठी भर हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से हम मुंह नहीं मोड़ रहे। लेकिन आपसे, जनता से, दिल्ली और देश की जनता से अपील करना चाहूंगी, देश के प्रधानमंत्री जी को कहिए, कीजिए एक प्रेस वार्ता, प्रेस मीडिया के लोगों के माध्यम से जनता की चिंताएं, प्रश्न, उनकी समस्याएं, उनके हल देने की कोशिश कीजिए, सीधा संवाद स्थापित करिए। एक तरफा बात करने से समस्याओं के हल नहीं निकलेंगे। और आप सभी से कहूंगी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या भारत सरकार हो, पूरी तरह से ऐसा लगता है बिना प्लान के लॉकडाउन किया। लॉकडाउन में हल नहीं था, लेकिन लॉकडाउन में 45 दिन आपको देश की जनता ने तपस्या की, 40 दिन आपके नियम कायदों के मुताबिक घरों में अपने आप को बंद कर लिया, सबने बंद कर लिया कि आपको 40 दिन मिले, अब आप तैयारी कर लेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप तैयार होंगे। लेकिन आपने कोई तैयारी आपकी दिख ही नहीं रही है। यूं ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स के डायरेक्टर ने नहीं कह दिया, अब तो पीक आना बाकी है, अभी तो भुखमरी गरीबी बाकी है। लग रहा था कोरोना वायरस से लोगों की मौत होने का डर था, लेकिन यहाँ तो जो लोग सड़कों पर, मजदूर गरीब निकल गए अपने घरों पर चलने के लिए मिलो, वो हादसे का शिकार हो रहे हैं। और आगे कहते हैं कि अगर यही रहा तो भुखमरी से भी देश में मौतें हो सकती। 140 करोड़ का विश्व का चाइना के बाद सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश। मैं आप सभी से कहूंगी, आप राहुल गांधी जी को इन सुझावों के लिए, जो उन्होंने खुद अपने आप से नहीं दिए हैं, उन्होंने लगातार, मैंने 4 नाम बताए, बड़े नाम हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी पकड़ है अर्थव्यवस्था के ऊपर, उन्होंने रिसर्च किए हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले हैं, गरीबी अर्थव्यवस्था के ऊपर किस तरीके से आप पटरी पर ला सकते हैं, किस तरीके से इस महामारी से सब एक होकर लड़ सकते हैं। लेकिन सरकारों ने, दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, हथियार डाल दिया। पर आप लोगों से अभी भी हाथ जोड़कर कहूंगी, ये जान आपकी है, घरों में रहिए, जितना हो सके अपने घरों में रहिए। अभी भी मैं कहूंगी, मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, अपने हाथों को लगातार धोते रहिए। और अगर आपके इलाके में किसी को भी पता लगता है कि इस तरह की का वायरस आ चुका है, उसमें कृपया अपने आप को उनसे बचाकर दूर रखिए, अपने घरों में रखिए, क्योंकि सरकार ने हथियार डाल दिए। इसका एक ही बचाव है कि आप अपने आप को अब अपने घरों के अंदर जितना बंद कर सकते हो, जितना रख सकते हो सुरक्षित, उतना रखिए, क्योंकि केंद्र की सरकार ने पूरी तरह से हथियार डालते हुए दिख रहे हैं। वह राजनेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी को नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी को आगे आकर
लोग सुनना चाह रहे थे कि प्रेस वार्ता करें, प्रेस के प्रश्न लें, लेकिन वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो अमेरिका की बात करेंगे, वो यूके यूएसए की बात करेंगे, इटली की बात करेंगे, पर वो हिंदुस्तान के मजदूर और किसानों की बात नहीं करेंगे, वो गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी आपको सुझाव देंगे तो आप गाली मारेंगे, मैं आप सभी से कहूंगी। राहुल गांधी जी का एक सुझाव बहुत जरूरी है, जो उनकी न्याय योजना, न्यूनतम आय की जो योजना है कि 13 करोड़ देश में, 13 करोड़, सिर्फ मात्र 13 करोड़, 130 करोड़ में 13 करोड़ ऐसे हमारे गरीब हैं जो गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे हैं, जिनके पास जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो रोज कमाते थे और आटा दाल लाकर खाते थे, उनके बैंक खातों में आपके पास उनकी सारी जानकारियां हैं। 7500 महीना डाल दीजिए, वो अपना पूरा एक महीना, वो परिवार 7500 में निकाल लेगा और वो एक महीना फिर सरकार को तैयारी के लिए मिल जाएगा इस कोरोना वायरस से लड़ने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। लेकिन इन 13 करोड़ परिवारों को 7500 रुपया महीने भर का एक बार देने से ऐप पर बोझ आएगा 65,000 करोड़, मात्र 65,000 करोड़। ये अर्थ जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं, ये उनके कैलकुलेशंस हैं। प्रधानमंत्री जी उनसे सीधे बात कर लेनी चाहिए, अगर वो राहुल जी उनसे बात कर रहे हैं और राहुल जी से वो को वो सुझाव दे रहे और राहुल जी प्रेस के माध्यम से जो प्रश्नों के जवाब देकर आप तक पहुंचा रहे हैं, आप क्यों नहीं इन लोगों से बात कर लेते? ये भारतीय हैं। अमर्त्य सेन जी बात हो, अभिजीत बैनर्जी की बात हो, रघुराम राजन जी की बात हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात हो, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। सीधे इनसे संवाद करके, इनके सुझाव लेकर आप सीधे अपना नाम डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, ताकि कहीं पर भी ना लगे ये कांग्रेस से सुझाव आए थे और श्रेय लेने की लड़ाई आप लड़ लीजिए, आप ले लीजिएगा श्रेय। लेकिन जो सुझाव आ रहे हैं विशेषज्ञों से, राहुल गांधी जी के माध्यम से, उसे देश पर लागू करिए, उससे देश का ही फायदा होगा। नहीं तो ये बेरोजगारी, भुखमरी, मजदूरों और गरीबों का, किसानों की जो हालत बदतर है, और ऊपर